वेलकम बैक। और इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे एक नई मेथड। वैसे तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास टोटल 5 मेथड्स थी, जिसमें से हमने 4 मेथड को डिस्कस कर लिया है। ये है फोर्थ नंबर की मेथड, जो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर ही बिलोंग करती है। ये मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस मेथड के अंदर सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको इस ट्रिक को हमेशा फॉलो करना है। पहले तो आप क्या कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और 8 है, तो आप इसको इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए और आप राइट साइड में इसको 0 कर दीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ अच्छी तरीके से। ये आपका स्टेप 1 हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो जिसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो आप क्या कर लीजिए, राइट साइड में इसको 0 कर दीजिए। राइट, 0 करने के बाद इसके बाद का जो स्टेप है, उसमें आप क्या कर लीजिए, a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2, तीनों को लिख लीजिए आप। a1 कितना है, a1 हमारा 2, a2 3, कुछ नहीं है तो 1, और a2 कितना होगा, 2। c1 कितना है, -5, और c2 कितना है, -8। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ। यहाँ पे x, y और यहाँ पे 1, ऐसे आपको लिख देना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x के नीचे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये 1 2 3 4 नंबर आपको एज इट इज लिख देना है। फिर जहाँ से आपने ख़त्म किया था, उन्हीं नंबर को आपको वापस यहाँ पे लिख देना है। और आपने 1 2 3 4 को लिख दिया, आप क्या करो, 1 2 3 4, ठीक है, जहाँ से आपने ख़त्म किया वही नंबर को यहाँ पे लिख देना है। और देखो 2 3 के राइट साइड साइड में कौन आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो ये आपने 1 2 लिख दिया। ठीक है, सीक्वेंस ऐसा है, पहले आप B से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 -8 × 1 -8, 2 × 5 -10, y 5 × 3 -15, 8 × 2 -16, फिर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। इन दो नंबर के बीच में माइनस होता है, ठीक है, इन दो नंबर के बीच में माइनस होता है, इन दो नंबर के बीच में माइनस होता है, तो हमेशा आप याद रखना, -8 माइनस माइनस प्लस। -15 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 गया तो 1। अभी आप क्या कर लीजिए, इनको सॉल्व कर लो, 2 1 1। अब x की वैल्यू है, आप इससे इक्वल दिखाइए, 1/1, और y की वैल्यू भी आपको इससे इक्वल दिखानी है। देखो x/2 x/2, 1/1 1/1, y/1 y/1, 1/1 1/1, ठीक है, क्रॉस करा दीजिए आप इसको।
काफ़ी आसान मेथड है और बहुत ही अच्छी मेथड। मैं कभी कभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ करता हूँ। बहुत ही अच्छी मेथड है, आपको तुरंत आंसर ला के देती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसान है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिर्फ ये स्टेप है जो आपको लर्न करना होगा, बाकी अदरवाइज सारा कुछ एलजेब्रा का पोर्शन है। सिर्फ आपको इस तरीका का ध्यान रखना है, बट एक बात हमेशा याद रखें, इस नंबर को आपको इस तरह लेके जाना है, यहाँ पे तो आपका ज़ीरो ही रहना चाहिए, ज़ीरो होगा उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।